नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. इस क्वेश्चन में बताया गया टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास m हैव रेस्पेक्टिव इनिशियल वेलोसिटीज यू आई कैप एंड यू आई कैप प्लस जे कैप बाई टू. दे कोलाइड कंप्लीटली इन इलास्टिकली. द एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस इज, चूंकि इन इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी तो लॉस होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर भी मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया जा सकता है. तो हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे. इनिशियल मोमेंटम होगा पहले पार्टिकल का एम और उसकी वेलोसिटी लेंगे यू आई कैप. दूसरे वाले पार्टिकल का मास एम और वेलोसिटी लेंगे यू बाई टू आई कैप प्लस जे कैप. चूँकि कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन है तो फाइनली दोनों स्टिक कर जाएंगे, तो मास कंबाइंड हो जाएगा 2m और वेलोसिटी हो जाएगी v, है ना. तो यहाँ से हम लोग v का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. m को यहाँ से कैंसिल करा जा सकता है, ठीक. तो जो v आएगा वो हो जाएगा u बाई टू आई कैप प्लस u बाई फोर आई कैप प्लस j कैप, है ना. मतलब अगर इनको ऐड करा जाए u बाई टू और u बाई फोर, तो ये आएगा 3u बाई फोर आई कैप प्लस u बाई फोर जे कैप. तो फाइनल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 3 बाई फोर का होल स्क्वायर 1 बाई फोर का होल स्क्वायर का रूट इंटू यू, है ना. तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 यानी कि 10 का रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू यू, है ना. तो बाई फोर आ जाएगा यहाँ पर, बाई फोर, है ना, यहाँ पर फोर है. अच्छा, तो ये तो आ गया इनका फाइनल वेलोसिटी. अब अगर हमें निकालना होगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस कैसे निकालेंगे, डेल्टा के इज इक्वल टू के इनिशियल माइनस के फाइनल. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हाफ एम, पहले वाले का वेलोसिटी था यू, दूसरे वाले का हाफ एम इंटू इसका स्पीड निकालेंगे ना मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा यू बाई टू इंटू रूट टू यानी कि यू बाई रूट टू का होल स्क्वायर. तो ये इनिशियल वाला हो गया और फाइनल वहाँ से लिखेंगे हाफ टेन डिवाइडेड बाई हाफ इंटू मास लिखेंगे 2m इंटू इस वेलोसिटी का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 16 यू स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा. अब इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो देखेंगे ये आएगा, ये तो हो जाएगा 1 बाई फोर और 1 बाई टू यानी कि 3 बाई फोर एम यू स्क्वायर, इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 5 डिवाइडेड बाई 8. तो माइनस करेंगे 5 बाई 8 एम यू स्क्वायर, इसमें एलसीएम ले लेते हैं 8, ठीक. तो ये आ जाएगा 6 माइनस 5 एम यू स्क्वायर यानी आ जाएगा 1 बाई 8 एम यू स्क्वायर, ठीक. तो लॉस जो है वो देखेंगे सेकेंड ऑप्शन में करेक्ट वैल्यू दिया गया है 1 बाई 8 एम यू स्क्वायर.